भाई, ये हमारी वीडियो सीरीज का जो है वो पार्ट 6 है, जिसमें हम देखेंगे कि हमने ये जो कोड है, ये जिस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रही है, इसको हम कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल फॉर्मेट के अंदर आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है, ये तो हमें आउटपुट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने कोडिंग को भी स्मार्ट वे में रखना है। तो आइए देखते हैं ये सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने कोड के अंदर कि यहाँ तक जो है वो हमने अपनी मटेरियल ऐप जो है वो अपनी क्रिएट कर ली थी। अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, सॉरी एंड्रॉयड के अंदर नहीं, यहाँ पे लिब के अंदर क्वेश्चन फाइल। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। जी, मैंने ये फ़ाइल पहले ही क्रिएट करके रखी हुई है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको रिफैक्टर करें और यहाँ पे ये मेरे से गिटहब की ऑप्शन पूछ रहा है। फिलहाल आपके पास अगर ऐड हुआ तो आपसे भी पूछेगा। अच्छा, यहाँ पे ये गिटहब में ऐड हो चुकी है फाइल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डॉट डार्ट मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की और इसमें क्या क्या कोड लिखा हुआ है वो ज़रा देख लें। अगर हम इसको सिंपली इसको कहें तो ये एक मॉडल हमने तैयार किया है, ठीक है, जो कि स्टेटलेस विजेट के साथ। अगर इसको हम स्क्रैच से स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे जरा आप यहाँ पर, आप इसको भी कमेंट कर दें, इसको कमेंट करें और यहाँ से स्टार्ट करें शुरू। ठीक है जी, यहाँ पे आप करेंगे जनाब क्लास क्वेश्चन एक्सटेंड्स, और यहाँ पे किससे एक्सटेंड करना है आपने इसको, स्टेटलेस विजेट से। या आप इस तरह करें कि आप सिंपली एसटीएल से लिखें, स्टेटलेस विजेट लिखें और यहाँ पे लिख दें क्वेश्चन, तो आपके पास ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ठीक है, फिलहाल आपने की यूज़ नहीं करनी, तो आप की को यहाँ से, यानी आप अपना विजेट जो है बेसिकली हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ये इससे हम क्या कर रहे हैं, अपना विजिट क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, वो हमें चाहिए जनाब एक। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन टेक्स्ट के अंदर हमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्टर से इनिशलाइज नहीं करवाया। तो यहाँ पे देखते हैं हमें एरर को क्यों हाईलाइट कर रही है। यस, वो कह रहा है जी क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर फाइनल। जब आपने वो फाइनल टाइप का वेरिएबल रखना है ना, तो आपने उसको लाजमी तौर पे कंस्ट्रक्टर से इनिशलाइज करवाना है। ये देखें ऑटो कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है जी, ये आप इस तरह क्रिएट कर लें या सिंपली आप ये वाला काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने अब इसको पोजिशनल ये कर दिया उसने नेम्ड आर्गूमेंट, तो हमने नेम्ड आर्गूमेंट इसको नहीं रखना, तो इसलिए मैं यहाँ से ये ख़त्म कर रहा हूँ और ये सुपर भी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कांस्टेंट भी नहीं रखना। हाँ, पोजीशन की बेस पे जो है हमने यूज़र से पैरामीटर रिसीव करना है, यानी ये लाजमी तौर पे से टेक्स्ट जो है वो भेजें या ख़ुद से वहाँ लिख के वो। अब क्या होगा, जैसे ही यूज़र यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे ये टेक्स्ट टाइप करेगा ये वाला, तो यहाँ पर हम इसका क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो टेक्स्ट जो है वो किसके पास रिसीव होगा जनाब, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर की वजह से यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर डेटा आ जाएगा। जब डेटा यहाँ आ जाएगा तो क्या करना है हमने, तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर बनाना है जिसको विड्थ मार्जिन और एक टेक्स्ट टाइप का हमने यहाँ पे विजेट बना के रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको जो है वो कमेंटेड कोड को यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे जो है वो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दोबारा दबाएं और ये गायब हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये दो लाइन तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो फोकस करना है वो ये कि जी कंटेनर के अंदर हमने टेक्स्ट विजेट रिटर्न करना है। ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो डबल डॉट इन्फिनिटी हमने लगा दी है। इन्फिनिटी से मुराद ये है कि जैसी स्क्रीन हो वैसा ही उसके पास साइज जो है वो रिटर्न हो जाए, लाइक दिस वन। यानी जैसी स्क्रीन, अगर स्क्रीन बड़ी है तो देखें उस स्क्रीन के हिसाब से उसको वो उसको मैनेज कर रहा है, अगर स्मॉल स्क्रीन है तो उसके हिसाब से। अभी हमारे पास ये आउटपुट मैनेज नहीं हुई जी, इन्फिनिटी का ये फ़ायदा है। ठीक है, जितनी स्क्रीन है वो उतनी जो है वो कंटेनर डिटेक्ट करेगा स्क्रीन साइज़, और उसको चारों साइड से मार्जिन जो है वो ऑल साइड लेफ्ट राइट बॉटम टॉप से जो है वो 10 पिक्सल का उसको मार्जिन मिल जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जो टेक्स्ट है वो क्वेश्चन टेक्स्ट जो हमें रिसीव हुआ था वो यहाँ पे उसे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। फॉन्ट साइज उसका 28 और उसका टेक्स्ट जो है वो अलाइन कर दिया जाएगा सेंटर के अंदर।
तो ये हमने प्रॉपर्टीज उसे असाइन किए। अब इसका आउटपुट जो है वो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो है वो हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह पे चेंज करना होगा क्या हमें उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा। ये जो कंस्ट्रक्टर है इस क्लास तक टेक्स्ट पहुँचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा। किस चीज़ का, जब हम क्वेश्चन लिख कर यहाँ पे कुछ इस तरह से पेस्ट करेंगे और इसके अंदर जो है वो हम टेक्स्ट पास करेंगे तो उस वक्त। तो इसका तरीकाकार क्या है जी, इसका तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसमें क्वेश्चन जो लिस्ट हमने ऊपर बना रखी है उसमें से इंडेक्सिंग जो है वो कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे क्वेश्चन इंडेक्स 0 की वैल्यू उठा के दिखा दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना यह है कि इसको जनाब इंपोर्ट कर लेनी है लाइब्रेरी क्वेश्चन डॉट डॉट। तो ये हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन डॉट डॉट इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम जब ये लाइब्रेरी ऊपर अटैच हो जाएगी तो हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव करें। अगर ऊपर भी टेक्स्ट है तो आप इसको जो है वो यहाँ से ख़त्म करें ऐसे करके। ठीक है जी, क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन टेक्स्ट की जगह पे बटन के अंदर क्वेश्चन इंडेक्स करें और जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वहाँ वहाँ ये वाली चीज़ लगा दें। ओके जी, ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे जहाँ एक्स्ट्रा कॉमा है वो रिमूव कर लें, यहाँ पे भी रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे भी। ठीक है जी, तो हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एल करें, सॉरी कंट्रोल आल्ट एल प्रेस करें, ये फॉर्मेटिंग में आ गया कोड हमारा। ठीक है जी, और अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है जी, अब हमने किया क्या है, इस पूरे कोड के अंदर हमने एक मॉडल डिज़ाइन कर लिया कि टेक्स्ट उस मॉडल के पास जाए, वहाँ से एक विजेट तैयार होके वापस आ जाए। अब हमने जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट अपना विजेट बना लिया। ठीक है, इस क्लास को हम अभी मज़ीद एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इसमें अभी वाज़े फ़र्क तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये कि अभी जब इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये फ़र्क वाज़े नज़र आएगा कि इस क्लास के बनाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसके आउटपुट जी। तो ये आप देख रहे हैं इसमें जो है वो हमने सेम, क्योंकि इसका कलर वाइट रखा हुआ है तो कोई इशू नहीं, इसका कलर जो है वो हमने सेम कर दिया। अब देखें फॉन्ट साइज़, अब हम फॉर एग्जांपल एक जगह पे हम चेंजिंग करेंगे तो उसके चेंजिंग का इफेक्ट जो है वो हमें तमाम पे नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएँ ज़रा क्वेश्चन फाइल के अंदर, अब आपके सामने है ये कोड। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर दिया जरा 20। ठीक है, तो इसको आप ज़रा रन करें दोबारा से, तो ये देखिएगा इसका साइज़ जो है 20 ऑटोमेटिकली चेंज हो गया सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी अब चेंजिंग एक जगह पे करनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट जो है वो 5 जगह पे हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन मॉडल बनाने का फ़ायदा हुआ। ये बेसिकली हम इसको कह देते हैं जी ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास का मतलब होता है कि एक स्केच की फॉर्म में ये क्लास बनाई गई है जिसके अंदर डेटा एक्सेस किया जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक सेपरेट फोल्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम किसी सेपरेट फोल्डर में नहीं, यहाँ पे कम्बाइनी फाइल्स को चलाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट जो है ना समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।